ये टोला यादव जी वाला टोला है, जहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रेमचंद यादव का ये आलीशान घर बुलडोजर रोकने के लिए आप कर रहे हैं कोशिश, लेकिन इश्तेहार तो चिपका दिया गया है। अब तो चला तो क्या हुआ, चिपका दिया गया है तो उधर जाएगा। मतलब ये नोटिस में पूरी तरह से बताया गया है कि अगर ये निर्माण अवैध है तो अपनी सूचना दें। खड़े खड़े थोड़ा, दो मिनट प्लीज। नहीं बस एक जवाब सर की, मतलब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? गुस्सा हम आपको नहीं दिलाना चाहते। क्यों सकून से नहीं रहने दे रहे हो? सकून से नहीं रहने दे रहे। वो पिता का संस्कार कर रहा है, कौन निर्दयी और कौन ऐसा मनुष्य है जो बुलडोजर की बात सोचता है? और क्यों सोचता है वो बुलडोजर? बुलडोजर नहीं चलेगा। यूपी में यही होता है कि कोई भी घटना होने के बाद एकदम से उसका जमीन जायदाद अवैध हो जाता है। हाँ, 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 अवैध हो जाता है, पहले नहीं होता है। योगी सरकार अवैध कर देती है पूरी जमीन जायदाद। पुलिस वाले यहाँ पे जो वहाँ पे खड़े हैं वो तो भैया पूरी बदतमीजी से पेश आते हैं। आप सुने नहीं कि उनको आराम कीजिए, आप भी आराम कर लीजिए, आए चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, बिस्कुट डुबा के पार्ले जी मार लिए। जी प्रणाम, मैं हूँ सुमित कुमार और अभी हम मौजूद हैं देवरिया के उसी फतेहपुर गांव में, जहाँ पे जिस तरह से मतलब एक ये विभत्स घटना हुई है 2 अक्टूबर को, और उसके बाद से जिस तरह से नरसंहार का रूप लिया, उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पुलिस बल पूरी छावनी में तब्दील है। गांव गांव के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग पे की गिरफ्तारी हुई है तो कुछ लोग फरार चल रहे हैं, कुछ लोग डर से गायब हैं यहाँ से। पूरी जो सारी हत्याएं हैं इसी के जगह पे की गई, तो हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और देख लीजिए कितना सुनसान सा ये मतलब जंगल नुमा ये एरिया है, और यहाँ पे कुछ हो भी जाए तो मान लीजिए कि पता ना लगे कुछ, मतलब बहुत जब तक यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आके देखे ना, तो इस तरह का सुनसान कोई गांव है और जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम है, तो इस तरह का माहौल है। देख लीजिए पूरी तरह से ये पुलिस छावनी में जिस तरह से तब्दील है, और हम आपको ले चल रहे हैं उस घटना पे जहाँ बैरिकेटिंग की गई है, जहाँ पे मुख्य रूप से पांचों के पांचों जो हत्याएं हुई वहाँ पे, जब से ये घटना हुई है 2 अक्टूबर के बाद से, और 2 अक्टूबर के दिन इतना भी बहुत घटना हुआ। सबसे पहले तो अपने आप में सिग्निफिकेंस इसका देखिए कि महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते हैं और उसी दिन इतना इस तरह की हिंसात्मक घटना होती है। अब देख लीजिए पूरी पुलिस छावनी है जो यहाँ पे हमेशा से उसी दिन के बाद से लगाई गई है, वो देखिए बैरिकेटिंग घटना क्षेत्र है जो यहाँ पे ये गया है। इसके बाद से पूरी फैमिली, अभी बता दें कि इस फैमिली से मात्र 2 लोग, एक जो अस्पताल में भर्ती हैं और एक भाई हैं जो पुलिस कस्टडी में हैं, उन्हें रखा गया है। और यही पूरा एरिया है वहाँ पे, अब आपको दिखाएं तो देखिए साइकिल वगैरह लगा हुआ है, पंखा एक दिख रहा है, तो इस तरह से इसे बैरिकेटिंग किया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। देख लीजिए बाबा यहाँ सत्यप्रकाश दुबे के घर के जो क्राइम क्षेत्र वहाँ पे जा रहे हैं, और बैनर इनका देख लीजिए पूरी तरह से लेके घूम रही है। कहीं हो घर, बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर रोकने के लिए आप कर रहे हैं कोशिश, लेकिन इश्तेहार तो चिपका दिया गया है। अब तो चला, तो क्या हुआ, चिपका दिया गया है तो उधर जाएगा उजड़ेगा बुलडोजर। लेकिन लोग कर रहे हैं कि इस तरह घटना को अंजाम देने वाले को घर पे घर भी नहीं तोड़ा गया, तो फिर तुम मैसेज क्या जाएगा? लगातार ऐसे जो है तो बाबा बुलडोजर चल जाता। अरे हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, कहें आप लोग भगर बिछाओ बिछाना झट से। देखिए बुलडोजर चलने के विरोध में यहाँ पे आए हैं, और किसको मानते हैं आप? ये किसको मानते हैं? पॉलिटिकल क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। गांव का प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, ये ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के जमीनों के दखल के लिए जिम्मेदार हैं, और बुलडोजर उसका रेमेडी नहीं है। और बुलडोजर उस अवस्था में जब प्रेमचंद्र का माइनर लड़का बिलख कर आंसू की दशा में वो पिता का संस्कार कर रहा है, कौन निर्दयी और कौन ऐसा मनुष्य है जो बुलडोजर की बात सोचता है? और क्यों सोचता है वो बुलडोजर? बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने जोगी जी को भी, माननीय जोगी जी को लिखा है, और डीएम साहब को प्रातः लिखा हूँ आज, और लेके आया हूँ कि बुलडोजर कम से कम इतनी तो मनुष्यता करिए कि जब तक संस्कार हो जाता है 15 दिन 20 दिन, तब तक बुलडोजर रोकिए। और बुलडोजर आपका कहाँ था 2 अक्टूबर के पहले? कहाँ थे जब वो गलत जमीन पर उसने घर बनवा लिया था, गलत तरीके से बनवाया था, तो भांग खा के सोए हुए थे, किस गली में थे? और आज जब ये घटना हो गई है, आज जब ये मौतें हो गई हैं, आज जब 5 लोग यहाँ मर गए, स्वतः प्रेमचंद मर गए, ये क्या पहले का जमीनों को नाप जो किए होते तो ये कांड हुआ होता? नहीं हुआ होता। आप किसके पक्ष में आए? मैं मनुष्यता के पक्ष में आया हूँ। बट यहाँ पर भी तो लोग मरे हैं ना, तो क्या हुआ? जिंदा बुलडोजर उसकी दवा है? उसकी दवा है जिन लोगों ने, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सत्य प्रकाश और उनकी पत्नी
जिन लोगों के हथियारों से पुलिस पहुंचेगी एक दिन, आप लोगों को गफलत में होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस एक दिन पहुंचेगी। जिन लोगों के हथियार से मासूम बच्चे एक फाटक तोड़ के कत्ल किए गए हैं, उनको पुलिस पहुंचेगी। मेरी अंतिम इच्छा, और अंतिम इच्छा नहीं, यही जस्टिस है कि उनको हैंग किया जाए। उन जिन लोगों ने उन बच्चों का कत्ल किया है, उनको हैंग किया जाए। लेकिन और योगी जी की सरकार तो त्वरित कार्रवाई में बिलीव करती है। योगी यहाँ पे बुलडोजर मोड ये त्वरित कार्रवाई वाला योगी जी से पूछिए कि वो क्यों विश्वास करते हैं। उनका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं मनुष्यता के लिए यहाँ आया हूँ। अब बुलडोजर की आज वो भी परिवार बिलख रहा है, इसमें दो बच्चे बिलख रहे हैं। मैंने कहा है कि माइनर बच्चों को, दोनों इनके दो बच्चों को और उनके तीन बेटियां और एक बेटा है जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं मिला नहीं हूँ। यही मनुष्यता है इस हिंदुस्तान की, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही व्यवस्था है। अभी मौजूद है देवरिया के फतेहपुर गांव में, और उसका ये टोला यादव जी वाला टोला है, जहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रेमचंद यादव का ये आलीशान घर, और सबसे पहले जो हत्या की गई थी यही प्रेमचंद यादव की, जो कि उस दुबे परिवार के घर गए थे, चाहे वो बुलाए गए हों या किसी भी कारण से गए हैं। उनकी हत्या कौन की, ये जांच का विषय है, अभी भी ये क्लियर नहीं है। जब तक पुलिस अपनी जांच में नहीं पाती, लेकिन ये घर है जिस पे आप देख लीजिए कितनी आलीशान घर है, इसे बताया जा रहा है। और इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अवैध निर्माण है, और क्योंकि यूपी सरकार, यूपी पुलिस के द्वारा यहाँ पर नोटिस चस्पाया गया है कि अगर अवैध हुआ तो इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और पूरी जो भीड़ है और पूरी जो जद्दोजहद है अभी देश में, जो माहौल है इसको घटना को लेकर, यही है कि अब नहीं तो तब इस पे क्या बुलडोजर चलने वाला है। योगी बाबा का जो एक तरह से कहीं न्यायिक मॉडल है बन के उभरा है कि त्वरित कार्रवाई देना है तो यहाँ पे जेसीबी चलवा दो। आइए हम घर का दिखाते हैं आपको, अथी दिखाते हैं पहले नोटिस। देखिए इस साइड पे आप आए, जरा वो दे दीजिएगा। देखिए ये यही है प्रेमचंद यादव, ये गली बना हुआ है, यहाँ पे नोटिस चिपकाया हुआ है। नोटिस हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये जो नोटिस की बात कही जा रही है कि जिस तरह से घर पे जेसीबी चलाने की बात हो रही है, तो ये नोटिस चिपकाया गया है। ये देख लीजिए इस तरह से राम भवन यादव, इस तरह से भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा चिपकाया गया है। अतः आपको देखिए, अतः द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आपको इतना दिनों, देखिए इस पे गैप रखा गया, इस पे जगह नहीं दिया गया समय, इतना दिनों के अंदर अवैध हटा लें और नहीं तो इतना के नुकसानी जमा कर दें। यदि आप भूमि खाली करने से पहले फसल काटना चाहते हैं या अग्रतर इस तरह से, तो इनको मेन रूप से देखिए हस्ताक्षर अथवा न्यायालय मुहर दिनांक कितना को जारी किया जाएगा पीठासीन अधिकारी। मतलब ये नोटिस में पूरी तरह से बताया गया है कि अगर ये निर्माण अवैध है तो अपनी सूचना दें और बताएं, क्लियरिफाई करें कि क्या है, नहीं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए हर जगह पे यूपी में जब भी कोई किसी तरह की घटना होती है तो उसके बाद त्वरित न्याय का मॉडल है कि वहाँ पे जेसीबी चला दो। हाँ भैया, तो देखिए यहाँ पे जो लोग भी जांच में हैं वो लोग से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी आ रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मिलने नहीं दे। दो मिनट आराम करना है तो आप जाइए, वहाँ जाइए बैठ लीजिएगा, जाइए। हम लोग आराम करने नहीं आए हैं, थोड़ा रेस्ट फरमाने दीजिए, अभी हम लोग खड़े खड़े थोड़ा, दो मिनट प्लीज। नहीं बस एक जवाब सर की, मतलब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? गुस्सा हम आपको नहीं दिला, क्यों सकून से नहीं रहने दे रहे हो? जाओ आप दूसरी तरफ जाओ। देखिए तो इनका रिएक्शन ये है कि इन सुकून से हम लोग भी रह लें। जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं, और हमारा सवाल बस इतना ही है कि जो लोग आ रहे हैं ये लोग अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? क्यों, अगर उनकी बेटी खुद मीडिया के सामने आना चाहती है, खुद लोगों से बात करना चाहती है, तो इसमें समस्या क्या है? वो एक्स आर्मी मैन है, हमारे पिताजी भी एक्स आर्मी मैन है। अच्छा। तो हमारा ये था कि जैसे एक्स आर्मी मैन के लिए जिले में सोल्जर बोर्ड होता है। अच्छा। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड होता है। तो अगर इनको यहाँ से मदद नहीं मिल रही है तो उसमें भी गुहार लगा सकते हैं सोल्जर बोर्ड में। अच्छा, तो आप लोग से मिलने दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं, हम लोग से मिलने नहीं दिया। क्या बोला गया कि क्यों नहीं मिलने दिया? हम तो सर अभी गेट पर ही खड़े थे, उनको अंदर बंद कर दिया गया। और ये जिला प्रशासन और
लखनऊ प्रशासन का। आप कहां से आए हैं सर? ये हम लोग गोरखपुर से आए हुए मिलने के लिए, हमारे रिश्तेदार हैं। अब हम अपने रिश्तेदारों को नहीं मिला दिया जाएगा तो किसको मिलने दिया जाएगा? पूर्वी चंपारण आप किस पर्पस आए हैं? हम मिलने आए उनके परिवार से और मिलकर उनसे संतावना देना है कि उनके साथ हम लोग पूरे परिवार हैं, जदुवंशी समाज है। परिवार से नहीं, परिवार नहीं, हम जदुवंशी समाज से हैं। क्यों भगा रही है? नजरबंद कर दिया गया उनको, किसी के उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने जा रहा दिया जा रहा है। इतिहास से आए सुनते योगी जी बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। हां बढ़िया होगा कि नजरबंद किए हुए आप जैसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आप जैसे मीडिया बता रही है बढ़िया काम कर रहे हैं, जात के लोगों पर अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रही है। नहीं नहीं पब्लिक नहीं कह रही है, पब्लिक कभी नहीं कहेगी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कोई भी बात हो रही ये, है ये बुलडोजर चला के न्याय बुलडोजर चला कर न्याय नहीं मिलेगा और उत्पात होगा। और उत्पात हाँ, बुलडोजर चलाने के बाद क्या होता है? नजायज किसी को बुलडोजर चलाएंगे तो आपको क्या होगा? हाँ यही बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए यूपी में यही होता है कि कोई भी घटना होने के बाद एकदम से उसका जमीन जायदाद अवैध हो जाता है। अवैध हो जाता है, पहले नहीं होता है। योगी सरकार अवैध कर देती है पूरी जमीन देती है। पहले से कुछ नहीं होता, नहीं पहले नहीं कुछ होता, पहले नहीं करती है। तो आप लोग चाहते हैं कि पहले पूरी तरह से जांच हो, उसके बाद जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्ष को न्याय मिले, न्याय मिले, दोनों पक्ष को न्याय मिले। क्योंकि देखिए वो लोग भी वहाँ उस परिवार से भी 5 लोगों की जान गई है। इस परिवार से जमीन अगर पड़ती है तो जमीन का ट्रांसफर होता है, विनिमय होता है, 101 के तहत जो है जमीन ट्रांसफर होता है, खलियान का हो या पोखरी का हो या आपका बंजर भूमि है या चकनाली हो या कोई भी जो है सार्वजनिक जो प्रयोजन की भूमि है उसका 101 दफा के तहत ट्रांसफर होता है, विनिमय होता है। विनिमय सरकार करा ले, मकान बना मकान अगर टूट जाता है तो वह गरीब का परिवार कहाँ जाएगा? रोड पर आ जाएगा। उसके भी मान लीजिए उसके भी जो तीन लड़कियाँ हैं, एक लड़का है, वो परिवार कहाँ जाएगा? तो मैं चाहता हूँ योगी जी से यह जो है एक तरफा कार्रवाई ना हो, जांच हो, निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो, यह होना चाहिए। चलिए तो योगी जी के त्वरित कार्रवाई वाले बुलडोजर मॉडल पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे यही चर्चा का विषय है कि यहाँ पे कब बुलडोजर चलने वाला है। नोटिस चिपका दी गई है, कोई घटना पे खुल के बात नहीं करता। पुलिस वाले यहाँ पे जो वहाँ पे खड़े हैं वो तो भैया पूरी बदतमीजी से पेश आते हैं। आप सुने नहीं कि उनको आराम कीजिए, आप भी आराम कर लीजिए, हम यहाँ चाय पीना है थोड़ी है, आए चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, बिस्कुट डुबा के पार्ले जी मार लिए, तो यही करने में तो इस तरह की घटना हुई है। अगर ये जमीन विवाद था और समय से सुन लिया जाता तो क्या इस तरह की घटनाएँ होती? पुलिस प्रशासन से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठता है, तभी तो अपने हाथ में कानून लेता है, नहीं तो ऐसा क्यों हुए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये त्वरित कार्रवाई वाला कहीं का भी हो मॉडल, चाहे जिस परिवार को भी आप देने हो, आप जनता के नज़र में बस ये दिखाना चाहते हो कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भैया कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, जांच क्या हुई, क्या निकल के आया, कुछ भी निकल के आया इतने दिनों में क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। देवरिया में मौजूद हैं, देवरिया के फतेहपुर ये गाँव है और यहाँ के ये दोनों टोला है जो अभी कसम कसम यहाँ पे ज़िंदगी चल रही है। बहुत बड़े बड़े गाड़ी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मीडिया का माइक आ रहा है, लेकिन न्याय के नाम पे क्या है वो समय बताएगा। न्याय के नाम पे तुरंत में यही है कि योगी जी अब नत्ता तब यहाँ पे हो सकता है कि बुलडोजर चला दें। ये चाहे तो अंदेशा है लोगों को, पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित हैं, चाहे आप पास्ट में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब यही है कि दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ से घूम के जा रहे हैं, काहे कि उस परिवार को मिलने नहीं दिया रहा। उस परिवार की बेटी है जो वो खुल के चाहती है कि मीडिया में बात करे, अपनी बात रखे, लेकिन उस बात को भी रोका जा रहा है। किस पर्पज़ से रोका जा रहा है ये एक जाँच का विषय है भी कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा के नज़र से रोक रही है या फिर उनका कोई आदेश है ऐसा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस बच्ची को बोलने नहीं दिया जा रहा। वो अपनी बात रखेगी भाई, जो भी बात है वो रखेंगी। तो ये सवाल है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।